और 1500 के लिए बैठेगा, फिर मैं दोहराता हूँ उस बात को, 1500 के लिए जो बैठेगा वो गड्ढे में ही जाएगा, वो बचेगा नहीं, उसे कोई बचा नहीं पाएगा। बाहर की मंडियों में मांग है तभी ये महंगाई है, ये बात सही है, हम मानते हैं पैदावार कम है। हाँ हाँ, आगरा 1 अप्रैल को खुल जाएगा, अप्रैल को खुल जाएगा, हाँ 1 अप्रैल को लोडिंग होगी। नमस्कार किसान भाइयों, मैं हूँ आशीष राजपूत और आप देख रहे हैं अपना टॉप भारत। किसान भाइयों, आज लगातार आलू का अपडेट हम बताते चले आ रहे हैं और आज हम मौजूद हैं जसवंत नगर कोल्ड स्टोरेज, जो कि जसवंत नगर में ही मौजूद है। और यहाँ कर किसान भाइयों, अगर आकर हमने जो आंकड़े देखे हैं, आपको भी वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं हम आपको दिखाएंगे अभी, और तस्वीरों से आपको पता भी चल जाएगा कि किसान भाइयों आज अगर देखें तो आलू की अपडेट इस क्षेत्र में क्या है। अब किसान भाइयों, बात आती है भंडारण के ऊपर। लगातार किसान और सभी ग्राउंड पे एक चर्चा चली आ रही है, भैया कोल्ड नहीं भरेंगे और कोल्डों की पोजीशन देखने को सामने आ रही है। तो हमारे साथ जसवंत नगर कोल्ड स्टोरेज के मैनेजर साहब मौजूद हैं, और मैनेजर साहब से नरेंद्र मिश्रा जी, और नरेंद्र मिश्रा जी से आज हम जानकारी लेंगे और जानकारी जुटाने की कोशिश करेंगे कि किसान भाइयों कोल्ड स्टोरेज में, जो जसवंत नगर कोल्ड स्टोरेज है, यहाँ पर काफी मात्रा में कोल्ड स्टोरेज है, कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या इस कंपटीशन का असर इस कोल्ड स्टोरेज पे पड़ा। अब हमारे साथ में जी, तो हमारे साथ में नरेंद्र मिश्रा जी हैं और इनसे हम जानकारी पूरी जुटाने की कोशिश करते हैं। तो सर, अपना नाम सबसे पहले और परिचय दीजिए। नरेंद्र मिश्रा, प्रबंधक जसवंत नगर कोल्ड स्टोरेज जसवंत जी। अच्छा सर, हम जानकारी ये लेना चाहते हैं, सबसे पहले सर हम जानकारी ये लेंगे कि सर अपने यहाँ कोल्ड की भंडारण क्षमता क्या है। भंडारण क्षमता 4.25 लाख कट्टी की है। 4.25 लाख कट्टी, हाँ। तो सर हमें लगता है अपने यहाँ क्षेत्र में नंबर वन भंडारण क्षमता है पे यही कोल्ड? नहीं नहीं, संतोष भुवनेश कोल्ड स्टोरेज 10 लाख बोरी कोल्ड स्टोरेज है। 10 लाख बोरी का? जी जी जी। अच्छा, तो सर सेकंड नंबर पे अपना आ जाता है। हाँ। तो सर अब इस 4 लाख के आसपास कैपेसिटी में अगर देखा जाए तो अपने यहाँ आज के दिन कितना आलू अभी आ चुका है, भंडारण हो चुका है? आज के दिन 3,30,000 बोरी जी भंडारण हो चुका है। 3,30,000? तो सर जो बकाया हुआ, जो जितना भी पैकेट बचा हुआ है, लगभग में कितना है, आ जाए तो भर जाएगा? लगभग में 95 आ जाए, 90-95। 90-95, हाँ, 1 लाख आ जाएगा तब भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन हम करते नहीं है, कभी भी गली में एक पैकेट नहीं रख पाया। क्वालिटी के क्वालिटी से कोई समझौता नहीं, कोई समझौता नहीं जी। हाँ, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं है जी। अच्छा सर, अब जो 1 लाख करीबन 95,000 मान ले, 90,000 मान के चलते हैं, 90,000 बोरी अभी इसमें भंडारण बकाया शेष है। अब सर जो ग्राउंड लेवल पे जितना आलू बचा है उसके बारे में जानकारी लेना चाहते हैं। ग्राउंड लेवल पे अभी 25% आलू शेष है। तो क्या सर 25% आलू जो है इसके लिए पर्याप्त है? हमारे लिए तो बहुत ज्यादा है, हम तो मना कर रहे हैं, जो अलग से किसान आ रहे हैं जी उनको मना कर रहे हैं, कोई सुविधा नहीं, कुछ नहीं जी, और न बारदाना है न रुपया है जी, कुछ नहीं। अपना जो पुराना किसान है जी, उसकी हम जरूर हमेशा मदद करते रहे और करते आएंगे। ये पहला कोल्ड स्टोरेज है जी, जो कि किसी व्यापारी का आलू भंडार नहीं करता है जी, सारा किसानों के लिए स्टोरेज बनाया था सन 80 में। सर तो सर आप इस कोल्ड स्टोरेज में कब से कार्यरत हैं? हम 1993 को जी कार्यरत है, 1993 से जी, और मुझे करीब 31-32 साल हो गए जी। अच्छा सर, अपना इतना लंबा सफर आलू के एक चरण में आपका रहा, अब सर हम जानना चाहेंगे कि इस वर्ष आपके अगर नजरिए से देखा जाए आलू का भविष्य 2024 में किस तरीके से आपको दिख रहा है? आलू का भविष्य ये है कि ठीक है, किसान को जी पैसा मिलेगा, पिछली बार किसान को कुछ मिला नहीं है जी, तो इस साल पैसा मिलेगा जी, लेकिन बशर्ते ये किसान सोच के बैठ गया कि 1500 बिकेगा तभी बेचेंगे तो मर जाएगा। हाँ, वो बचेगा नहीं, कोई बचा ही नहीं सकता है उसे जी। देखो, आलू है, ये सब्जी है, बिकती भी और फिकती भी जी, बिल्कुल। और मंडियों के रेट साउथ के ऊंचे थे जी, आज वो रेट 200 रुपए क्विंटल गिरे हुए हैं जी,
इटावा मंडी में भी आलू 700-750 रुपए कट्टी ऊंचे में बिका है जी। जो 800 रुपए और 800 रुपए बिका, तो 55,000 कट्टी की आमदनी है मंडी के अंदर जी। तो ये सब चीजें ध्यान में रखना चाहिए किसान को जी। और स्टोरेज ज्यादातर स्टोरेज लगभग लगभग आज खुली जाएंगे यहाँ जी। अच्छा सर, एक जानकारी ये भी है कि अगर देखा जाए लगभग हाउसफुल हैं, तो सर इस वर्ष जो है अभी आज के दिन देखें तो आलू के जो रेट चल रहे हैं फिलहाल में, ये भी किसानों के लिए कुछ गलत रेट नहीं है? अगर बहुत अच्छे रेट है, बहुत अच्छे रेट है। अगर सर जैसे कि आपने बताया, किसान ने अगर एक अपने अंदर विचारधारा तय कर ली है कि भैया 1500 रुपए में बिकेगा तभी हम बेचेंगे, तो उसमें किसानों को लंबी चपेट लग सकती है। बहुत लंबी, जो कि शायद है कभी उसकी 4-6 साल में भरपाई न कर सके किसान जी। अच्छा सर, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये भी है कि अगर सर किसान के पास 1000 पैकेट है, उसको प्रेजेंट टाइम में कितना आलू बेच देना चाहिए? उसे आधा आधा कर देना चाहिए, आधा आज का रेट बेच के पैसा सीधा करना चाहिए। बस बस ये बात है। अच्छा सर, आलू के भविष्य में आपने बता दिया है जैसे कि, तो सर क्या लगता है इस वर्ष जो पैदावार के बाद में सभी जगह हम डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, हर जगह हमें पता चला कि भैया पैदावार पिछले वर्ष से कुछ ना कुछ कम है, अपने यहाँ सर क्या देखने को मिल रहा है, कितना कम है? ये बात सही है, हम मानते हैं पैदावार कम है, लेकिन जो आदमी कह रहा है कि 20% कम है और 25% कम है, ऐसा कुछ नहीं है जी। पैदावार जिन लोगों ने, जिन किसानों ने अच्छी देखरेख कर ली है, हमारे यहाँ 70 पैकेट के भी बीघा निकल रहे हैं, 60 के भी निकल रहे हैं, ये 37-97 आलू की बात हम कर रहे हैं जी। हाइब्रिड तो 80 पैकेट निकल रहा है, हाइब्रिड 80 निकल रहा है। हाँ, हाइब्रिड हमारे यहाँ बहुत कम करता है जी, जी। अच्छा सर, अपने यहाँ क्षेत्र में 37-97 की मात्रा सबसे ज्यादा दिखती है? 37-97 टोटल। हाँ सर, अच्छा बाहर की मंडियों में इस समय अगर देखा जाए, आपका तो बड़ा लंबा सफर रहा है, बाहर की मंडियों में डिमांड कैसी है इस समय की बात करें अगर? बाहर की मंडियों में मांग है तभी ये महंगाई है जी। बाहर की मंडियों में मांग है, इधर स्टोरेज का भंडार चल रहा है जी। अब जिनके यहाँ आलू नहीं जा रहा है वो बेचारे खरीद रहे हैं मंडी से जी। तो वो अच्छे आलू को थोड़ा टाइट ले लेते हैं, वो जो सोचते हैं कि चलो भाड़े में 20 रुपए कम हो जाएंगे जी, कोई फर्क नहीं पड़ता है, स्टोरेज में आलू तो हो जाएगा पर्याप्त जी, मशीनें तो उतनी ही चलेंगी जी। अच्छा सर, एक और सवाल ये है, क्या लगता है सर इस वर्ष जो है आलू अंदर जाने जाने तक बाहर की लोडिंग शुरू हो जाएगी, क्या लग रहा है? बाहर की लोडिंग जल्दी, बहुत जल्दी शुरू होगी जी, क्योंकि हर जगह अगर माइनस है तो उसका असर दिखेगा ना कहीं ना कहीं। हाँ हाँ, आगरा 1 अप्रैल को खुल जाएगा, अप्रैल को खुल जाएगा। हाँ, 1 अप्रैल को लोडिंग होगी आगरा से, ये बात। साउथ की लोडिंग, ये मौसम हीट हो जाएगा जी, जैसे ही होली होती है जी, और उसके बाद में साउथ ये आलू जा नहीं पाएगा, वहां स्टोरेज का ये आलू जाएगा, आगरा से लोडिंग चालू हो जाएगी जी, और 20 अप्रैल तक भगवान ने चाहा तो यहाँ भी निकासी शुरू हो जाएगी। अच्छा सर, अपने यहाँ ऊर्जा चैम्बर वगैरह वो नहीं है? हाँ, अपने यहाँ शुगर फ्री आप बता रहे हैं? जी जी जी। नहीं, शुगर फ्री हमारे यहाँ कोई क्रेज नहीं है। अच्छा, ऊर्जा की वो चिप्सोना आलू यहाँ पे पैदावार का नहीं, पैदावार है ही नहीं, चिप्सोना कोई करता ही नहीं है जी। अच्छा सर, अपने यहाँ हाईलैंड वगैरह नहीं होता? नहीं, कोई 37-97 एक तरफा 37-97 कोई आलू नहीं मिलेगा आपको। अच्छा सर, पिछली वर्ष से और इस वर्ष में अगर आज ही के दिन के अगर देखा जाए इसी महीने में रेट में क्या अंतर दिख रहा है, कितना अंतर है रेट में आज के दिन? आज के दिन अगर पिछली वर्ष के अगर अपेक्षा हम देखें, बहुत बड़ा फर्क है, डबल का दिख रहा है, दोगुना। तो चलिए, अच्छा सर एक और लास्ट सवाल कि 2024 में किसानों के लिए आलू का भविष्य किस तरीके से, क्या उज्जवल है या अंधेरा है सर ये? नहीं, उज्जवल है, बस अर्थ बेचता रहे तो जी। 1500 के लिए बैठेगा, फिर मैं दोहराता हूँ उस बात को जी, 1500 के लिए जो बैठेगा वो गड्ढे में ही जाएगा, वो बचाएगा नहीं, उसे कोई बचा नहीं पाएगा। बिल्कुल। तो चलिए किसान भाइयों, फिलहाल की बात करें तो जसवंत नगर कोल्ड स्टोरेज में इस समय मौजूद थे। अगर यहाँ की अगर बात करें तो बिल्कुल मैनेजर साहब ने काफी लंबा अनुभव है और अनुभवी कोल्ड स्टोरेज के मालिक। सर अपनी उम्र बताइए जरा। हमारी उम्र है 58 साल जी। एक तरीके से मान लेते हैं 58-60 में कोई ज्यादा बड़ा फर्क नहीं है, और इनमें से इन्होंने 30-35 साल अपना कैरियर आलू में, आलू के फील्ड में गुजारा है। तो किसान भाइयों, इस अनुभव को साझा करते हुए जिस हिसाब से बता रहे हैं, बिल्कुल मेरी यही राय है
किसान भाइयों आपको आलू थोड़ा बहुत बेच लेना चाहिए, उससे आपकी जो लागत मूल्य दर है उसको निकाल लेना चाहिए, बाकी जो आलू बचा है उस पर आप सट्टा खेल सकते हैं, कुछ भी आप समझें आप उस पर दांव लगा सकते हैं। कभी भी अपने किसान को ये नहीं कहा है कि सारा आलू लाओ, क्योंकि किसान खुशहाल रहेगा तभी हम खुशहाल हैं। बिल्कुल, और किसान की 100% जी किसान की तरफ झुकाव रहता है। इस स्टोरेज का किसान से बहुत बड़ा लगाव है और किसान का भी जी इस स्टोरेज से बहुत बड़ा लगाव है। ऐसा नहीं, दोनों ही तरफ कारण है जो 3 लाख कैपेसिटी 3 लाख आलू बैठ के भरते हैं, कहीं जाता नहीं मेरा स्टाफ भी। बिल्कुल, स्टाफ भी कहीं नहीं जाता है, हम भी कहीं नहीं जाते हैं, सिर्फ फोन से वार्तालाप हो जाता है। जो आज उसे हम सहूलियत देते हैं वही निकासी के समय सहूलियत देते हैं, वही भाषा हम लोगों की, पूरा स्टाफ उसी तरीके से काम करता है और सारा काम पारदर्शिता से, मतलब कोई उसमें लोचा वाली कहीं बात नहीं मिलेगी आपको। तो किसान भाइयों इस समय अगर हम देखा जाए तो जसवंत नगर कोल्ड स्टोरेज में मौजूद थे और यहाँ की जो अपडेट निकल के आई है, बात करें 3 लाख के आसपास यहाँ पे आलू आ चुका है और ये एक बड़ी 3 लाख के प्लस मान लेते हैं जी, 3.25 लाख जैसे कि मैनेजर साहब ने बताया है आज का टोटल। और आज का हाथ अगर एक बात और है सर कि आमदनी दिन में कितनी आ रही है? दिन में आमदनी आ रही है हमारे यहाँ कम से कम 25,000 बोरी। 25,000 बोरी, तो देखिए आमदनी में भी बहुत बड़ा फर्क है और आमदनी में इस समय रफ्तार पकड़ी हुई है, आमदनी लगातार हमें लगता है 4-5 दिन अभी आती रहेगी। हम कल शाम को गेट बंद कर देंगे, रात को सुबह गेट खोलेंगे नहीं परसों। ये चलिए, तो कन्नौज जैसा माहौल किसान भाइयों यहाँ भी धीरे धीरे उत्पन्न हो रहा है, अब आलू जैसे जैसे समाप्त होगा कोल्ड स्टोरेज भी भरने की कगार पे पहुंचेंगे। फिलहाल में जिनका गुडविल है, गुडविल वाला एक भी कोल्ड हमें लगता है इस क्षेत्र में खाली नहीं रहेगा। फिलहाल की बात करें तो जसवंत नगर कोल्ड स्टोरेज में इस समय मौजूद थे, यहाँ की बात करें तो किसान भाइयों यहाँ पे लगभग जो है कल भाई साहब बता रहे हैं मैनेजर साहब कि कल कोल्ड स्टोरेज का गेट बंद कर दिया जाएगा। जो कोल्ड स्टोर के अनुभवी और जुड़े हुए काफी दिन से लगाव करते हुए जो किसान है जो बहुत सालों से जुड़े हैं जी, तो वो किसानों के लिए बराबर गेट खुला रहेगा, नए किसानों के लिए असमंजस की कहानी रहेगी। तो फिलहाल में किसान भाइयों इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज डिस्ट्रिक्ट इटावा के अंतर्गत जसवंत नगर कोल्ड स्टोरेज से ये अपडेट था और इसको ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक से